हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोरी में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक रंगोरी से पोर्ट्रेट बनाना सीखते हैं हम। सबसे पहले एक कोई भी एक बोर्ड लेना है, प्लाईवुड या पर एक टेबल का जो ऊपर का भाग है, और एक बोर्ड लिए और चौक के सहायता से हमने एक स्केच कर लिए। उसके बाद ब्लू कलर में थोड़ा ब्लैक मिला के डार्क किए और लाइट मिला व्हाइट मिला के लाइट किए, तो तीन शेड बन गया, डार्क ब्लू, ब्लू और लाइट ब्लू। तो डार्क ब्लू बाहर के साइड डालना है, बीच में उससे थोड़ा सा डार्क, फिर ब्लू, उसके बाद फिर लाइट ब्लू। अब उनको ब्लेंड करना है, जो अपने को ये कलर है ब्लेंड करना है। तो जो कब कलर ब्लेंड करना है, तो दोनों कलर को, जो दो कलर को ब्लेंड करना है वो दो कलर को लेना है और मिक्स करना है और फिर बीच में डालना है, तो वो कलर ब्लेंड हो जाएगा। इस तरह से एक बैकग्राउंड, एक सादा बैकग्राउंड भी बना सकते थे सादा ब्लू कलर से, पर जब हम थोड़ा सा शेडो देते हैं, जो शेडिंग देते हैं, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है पोर्ट्रेट। इसलिए पोर्ट्रेट के बैकग्राउंड एकदम सादा ना रखते हुए थोड़ा सा हम यदि उसमें थोड़ा शेडिंग डालेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। अब ये टोपी का भाग बनाना है। टोपी का भाग बनाने के लिए हमने एक लाइट ग्रीन यानी पोप्टी कलर लिए, उनमें लाइट करने के लिए येलो येलो लिए और डार्क करने के लिए डार्क ग्रीन और उनके साथ थोड़ा सा ब्लैक। तो अपने को यहाँ पर मिलता है तीन चार शेड, एक तो लाइट ग्रीन, ग्रीन, डार्क ग्रीन और उससे थोड़ा ब्लैक मिलाते हैं, तो उससे थोड़ा डार्क बन जाते हैं। और अपने को फोटो में कहाँ पे कौन सा कलर है, डार्क कहाँ है, लाइट कलर है, तो जहाँ पे जो कलर है अपने को, कलर अपने पास बना है तो वहाँ से उठाना है और वहाँ पर अप्लाई करना है। जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पर कम ज़्यादा हो रहे तो वो दोनों कलर को मिक्स करना है, वही कलर वहीं पर बनाना है और काम करना है। अभी फेस कलर बनाने के लिए वाइट के साथ येलो, थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा रेड और थोड़ा सा वाइट के साथ येलो, ऑरेंज, रेड मिलाए तो एक बॉडी कलर बनता है। यदि आपको ज़्यादा डार्क होना तो थोड़ा सा रेड ज़्यादा डालना है, यदि लाइट करना है तो वाइट कलर ज़्यादा मिक्स करना है। तो अपने फोटो में किस तरह के स्किन है, किस तरह से बॉडी कलर है, उसके हिसाब से अपने को बनाना है। और समझो डार्क शेडिंग देना है तो रेड रेड और उनमें ब्लैक मिला के थोड़ा डार्क शेडिंग की रंगोली बनाना है। फिर अपने को जब कलर शेड बन जाता है तो फिर आसानी होता है कि अपने को फोटो में कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है और कहाँ पे, और दूसरी बात है जो हम कलर बना हुआ रहता है ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो डार्क लाइट को ब्लेंड करना जरूरी है, और ब्लेंड करने का एक ही तरीका होता है, एक ही रूल रहता है, जब दो कलर को ब्लेंड करना है तो दोनों को थोड़ा थोड़ा लेना है और बीच का एक कलर बनाना है और बीच में डालना है, तो दोनों को वो मिक्स कर लेता है, ब्लेंड कर लेता है। तो इस तरीके से अपने को वर्क करना है। अपने को फोटो में आप फोटो देख के बना सकते हैं, मोबाइल में जो फोटो खींचते हैं हम, मोबाइल के फोटो देख के बना सकते हैं। तो इस तरीके से आँखें ऊपर की तरफ से क्लियर करते हुए आना है अपने को। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि हम अभी सीख रहे पोर्ट्रेट बनाना, इसके पहले जो हमने वीडियो डाले वो एकदम सादा पोर्ट्रेट था, कार्टून पोर्ट्रेट। वो ज़रूरी होता है कोई भी पोर्ट्रेट सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए कार्टून बनाना चाहिए। धीरे धीरे हम इससे भी थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे।
एक रंगोली है जो कल इंडिपेंडेंस डे है, तो स्कूल में कल इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में एक रंगोली रहेगा स्टेज पे। जिस तरीके से जिस जैसे जैसा फोटो में है वैसे वैसा कलर टोन बनाना है। जैसे वो इसके लिप बनाए तो वही रेड यूज किए, जहाँ पे डार्क हुआ डार्क लगेगा तो रेड के साथ थोड़ा सा ब्लैक मिलाए तो डार्क हो गया। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपने को थोड़ा आसान लगता है, और इसलिए ये जो वर्क है आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी। प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ये पोर्ट्रेट रंगोली सीखना है और इसमें आपको पैशन होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम ये एक एक रंगोली एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए 3 घंटे का समय लगता है। स्केच से लेके शेडिंग और फिनिशिंग तक के 3 घंटे का समय लगता है। तो ये 3 घंटा बैठना पेशेंट होना जरूरी है हमारे अंदर। इसलिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, हर रोज़ योगा कीजिए, क्योंकि पेशेंट बहुत ही ज़रूरी है हम जब पोर्ट्रेट रंगोली बनाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू आपको 3 घंटा वर्क करना पड़ेगा। कोई कोई 20 घंटा 45 घंटा ऐसा पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो वो तो एकदम हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो चलिए हम सादा सा पोर्ट्रेट बनाना सीखते हैं, कोई भी ओकेजनल में हम बना सकते हैं। तो वो जो प्रोग्राम है तो वो उठ के देखता है कि चलो एक कुछ भी रंगोली आर्ट बनाया है। चलिए इस तरीके से कान के भाग जैसे गालों में थोड़ा सा उभर लाना है, थोड़ा सा गुलाबी पना देना है। तो उसमें जैसे लाइट कलर है फेस में, जहाँ पे लाइट कलर उसमें थोड़ा सा पिंक मिला दिए, लाइट पिंक, तो और वहाँ पर अप्लाई किए तो वहाँ से थोड़ा सा गुलाबी टच आएगा। जैसे अपने को ये जो ड्रेस बनाना है, तो ड्रेस बनाने आप शुरुआत से शेडिंग डालते हुए ला सकते हैं। तो यहाँ पर समय की कमी था करके मैंने पूरा एक साथ ग्रीन कलर डाल दिए। उसके बाद जो अपने को कलर शेड बना था उससे हम शेडिंग करते करते नीचे की तरफ आएंगे। जैसे कॉलर के भाग हैं जहाँ पे डार्क है तो डार्क ग्रीन, उससे भी डार्क करना है तो जो ब्लैक कलर मिला के हमने डार्क बनाए तो वो डार्क अप्लाई करना है। और इस तरीके से अपने को ऊपर से शेडिंग करते करते नीचे की तरफ आना है। ये अपना जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन क्लीन होना चाहिए। जैसे अब हम यहाँ पर स्केल यूज किए बॉर्डर के लिए, तो यदि हमने ये सफेद बॉर्डर दिए तो वो जो ऊपर के भाग है दिख रहे हैं वो उठ के दिख रहे हैं। इसलिए ये बॉर्डर बनाना का जो टेक्निक है ये अपनों को आना चाहिए। इस तरह से कुछ मेडल है उनके ड्रेस पे, उसमें तिरंगा कलर के शेड है, तीनों कलर के शेड दे देंगे। इस तरीके से धीरे धीरे अपना पोर्ट्रेट कंप्लीट करना है। जो मेडल है वो बहुत ज्यादा बारीक है, तो अपने को जो मोटा मोटा काम है वही करना है। जो अपने को दिख रहे थोड़ा सा वो टच आना चाहिए कि एक्चुअली वहां पर क्या है। तब बारीकी वर्क इसमें छोटा सा जगह पे नहीं कर सकते रंगोली से, पर जो मेन है वो दिखना चाहिए, नहीं वो चीज है उसके अंदर। एक चरखा है, एक गांधी जी की फेस है, एक तिरंगा है, तो ये छोटा छोटा चीज में हम हल्का सा दिखा सकते हैं। चलो ये जो बेल्ट है इसके लिए हमने रेड के साथ ब्लैक मिलाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम, तो इस तरीके से एक सुंदर सा पोर्ट्रेट तैयार है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।